चंदन क्या हुआ तुम्हें? मैंने यहाँ कैसे लिख? चंदन तुम ठीक तो? चंदन? चंदन यहाँ कोई भूत नहीं है, हम हैं। मैं हूँ मरण। चंदन? चंदन संभालो अपना भूत। चंदन कुछ नहीं है यहाँ पे। चंदन कोई भूत नहीं है, वो अभी तो इंसान है, समझो बात को। चंदन साफ साफ बताओ तुमने बात क्या देखा? संभालो अपना। चंदन एक मिनट, कहाँ है भूत बताओ, कहाँ है? ये देखो लॉक है। चंदन कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखा चंदन तुमने, यहाँ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सारे के सारे इस खिड़की और दरवाजे अंदर से बंद है, तो किसी के यहाँ से बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सब तुम्हारा वहम है चंदन, कोई भूत भूत नहीं है। इस हवेली में नीडल, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। सही कह रहे हो मैक, एक काम करते हैं, फॉरेंसिक में इसको भेज देते हैं और अभिज्ञान सर को इन्फॉर्म कर देते हैं। चलो आओ चंदन। चंदन संभाल के। सर हमने पूरी हवेली चेक कर ली, कोई भी नहीं था वहां पर, पूरी की पूरी हवेली खाली है सर। जब उस हवेली में कोई जाता नहीं है तो ये सुई वहां कैसे है? फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भी कुछ नहीं मिला सुई से। इस सुई को हवेली के अंदर ले जाने वाला कौन हो सकता है, विक्रम या कोई और? इस हवेली में कुछ तो अजीब है, बहुत अजीब। तो जो कुछ भी है भूत या प्रेत नहीं, ये ऐसी चीज जो बहुत तेज आसानी से छुप जाती है। सर वो जो भी है बहुत डरावनी चीज है। आनंद की हालत खराब है और चंदन तो इतना डरा हुआ है कि उसको आराम करने के लिए घर भेज दिया गया। वो ठीक से बता भी नहीं पा रहा है कि उसने देखा तो देखा क्या। सर कुछ तो अजीब चीज थी जो विक्रम, आनंद और चंदन तीनों ने देखी थी। हाँ वो चीज तीनों ने देखी थी, लेकिन मौत सिर्फ विक्रम की हुई। लेकिन क्या सर इस सुई का विक्रम की मौत से कोई कनेक्शन है? जरूर है। इंजेक्ट किया हुआ जिससे उसकी मौत हुई। अगर ऐसा है तो विक्रम की बॉडी पर सुई के निशान मिलना इम्पॉसिबल है सर, क्योंकि उसकी बॉडी तो डीकंपोज हो चुकी है। इस सुई से ऐसी कौन सी चीज इंजेक्ट की गई होगी जिससे विक्रम को हार्ट अटैक आ गया? केमिकल्स, कोई दवा, कोई ड्रग। आदित्य सर अपनी टीम के साथ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में जाकर यह पता करो कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे इंजेक्ट करने से इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। कम ऑन सर। गौतम शिखा की कंडीशन कैसी है? क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि वो कौन सी मेडिसिन है जिसे खाने के बाद इंसान को हार्ट अटैक हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल, ऐसी कोई दवा नहीं है। बट डॉक्टर रायचंद, ऐसी एक दवाई खाने से एक इंसान की मौत हुई है, तो जाहिर सी बात है ये दवाई कहीं ना कहीं तो मिलती होगी। आई एम श्योर ऑफ सर, ऐसी ड्रग मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आप खुद ही सोचिए, कोई ड्रग शरीर में जाते ही हार्ट अटैक आ जाए और बॉडी में उसका ट्रेस भी ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। मानते हैं ये दवाई आपकी कंपनी में नहीं बनती है,
लेकिन क्या आप किसी कंपनी को जानते हैं जो इस ड्रग को मैन्युफैक्चर करती है? मैं किसी और कंपनी को नहीं जानता जो ये दवा मैन्युफैक्चर करती हो, और अगर कोई कंपनी इस ड्रग को बनाती भी है तो उसे फौरन ही बैन किया जाना चाहिए। एनीवेज थैंक्स फॉर योर टाइम। ओके लेट्स गो। थैंक यू डॉक्टर। ओके एक मिनट। एक जगह है जहां पर ड्रग मिलने के चांसेस है। कौन सी? रिसर्च लैबोरेटरीज, जहां पर हर वक्त वहीं के ऊपर रिसर्च होती है। अगर कोई ऐसी ड्रग है जिसके लेने से हार्ट अटैक आता है तो ड्रग वहां मिल सकती है। इस लैब का नाम और एड्रेस दे सकते हैं आप हमें? सर बाकी सारी लैब चेक कर लिए मैंने, बस ये बाकी है। आपको क्या लगता है सर, यहाँ कुछ पता चलेगा हमें? Let's hope for the best. Yes. Inspector Abhigyan. Nice to meet you. आपसे केस के सिलसिले में मदद चाहिए थी। कैसी मदद? आपने कभी किसी ऐसी दवा के बारे में सुना जिसके इंसानी शरीर में जाते ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसके बाद उसकी बॉडी में उसका कोई ट्रेस भी नहीं मिलता? आप खामोश क्यों हैं? मैं जानता था एक दिन ये जरूर होगा। क्या जानते हैं आप उस दवा के बारे में? हमने ऐसी एक दवा पर काम करना शुरू किया था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि इस दवा का इतना खतरनाक असर होता है तो मैंने उस पर काम करना बंद करवा दिया। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपने इस दवा पर काम करना बंद कर दिया? ऑफ कोर्स ऑफिसर, 100%। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कहीं कुछ हुआ है क्या? जी हाँ, किसी की मौत हुई है और हमें ये शक है कि उसकी मौत इसी दवा की वजह से हुई है। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? आप नॉर्मली टीम्स में काम करते हैं ना? यस। मेरे कहने का मतलब है कि इस दवाई पर आपके अलावा और भी लोगों ने काम किया होगा। जी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने दवाई बनाई हो और उसको किसी को मारने के लिए यूज किया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, इस रिसर्च को लीड कौन कर रहा था? प्रोफेसर धर्मेश। लेकिन उन पर शक करना बिल्कुल बेकार है। वो क्यों? क्योंकि प्रोफेसर धर्मेश जेल में बंद है, उन्हें उम्र कैद की सजा हुई है। जेल में बंद है, लेकिन किस जुर्म के लिए? उनकी अपनी पत्नी के खून के जुर्म में। प्रोफेसर धर्मेश, प्रोफेसर धर्मेश को हमने अलग सेल में रखा है ताकि उनसे कांटेक्ट करने वालों पर नजर रखी जा सके। सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। क्यों, इतने खतरनाक हैं वो? उन्होंने दो बार जेल से भागने की कोशिश की थी, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। ताला खोलो। प्रोफेसर धर्मेश, ये इंस्पेक्टर अभिज्ञान है, तुमसे मिलने आए हैं। थैंक यू। धर्मेश, हम आपसे केस के बारे में कुछ मदद चाहते हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो आपसे हम चंद सवालात कर सकते हैं? प्रोफेसर धर्मेश, क्या आप किसी ऐसी दवा के बारे में जानते हैं जिसके इंसानी शरीर में जाने से किसी भी इंसान को हार्ट अटैक हो सकता है? आप जिस लैब में रिसर्च कर रहे थे वहीं पे दवा बनाई गई थी, राइट? हाँ, लेकिन वो मेरे को मना किया तो मैंने बंद कर दिया। क्या आपने कभी इस दवा का इस्तेमाल किया? नहीं, नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं। किसी और ने? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने वो दवाई के सारे सैंपल्स और वो रिसर्च पेपर जला डाले थे। लेकिन तुम ये बात क्यों पूछते हैं? दरअसल हमें एक आदमी की लाश मिली है और हमें शक है कि उसका खून इस दवा के जरिए इंजेक्शन देकर किया गया है। क्या बात है प्रोफेसर धर्मेश, आप खामोश क्यों हो गए? कौन है वो आदमी? उसका नाम विक्रम है और हमें उसकी लाश
चंद्रपुर के एक गांव के हवेली में मिली है। नहीं, नहीं। क्या हो गया आपको? खाली अपने आप को सर धनेश अपने आपको प्लीज आप लोग बाहर जाइए। प्रोफेसर प्रोफेसर संभालिए अपने आपको। प्रोफेसर 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 संभालिए। ये अचानक प्रोफेसर धर्मेश को क्या हुआ? मैंने भी इससे पहले कभी उन्हें ऐसे रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। और उन्हें ऐसा क्यों लग रहा होगा कि विक्रम की मौत उनकी वजह से हुई? आपके पास प्रोफेसर धर्मेश की केस हिस्ट्री तो होगी ना? हाँ है ना, जस्ट मिनट। श्योर। ये रही वो फाइल, इसमें उनकी हिस्ट्री है। इस फाइल में साफ साफ लिखा है कि प्रोफेसर धर्मेश ने गुस्से में आकर अपनी वाइफ का खून कर दिया, क्योंकि उन्हें शक था कि उनकी वाइफ का अफेयर उन्हीं के स्टूडेंट दीपक के साथ था। लेकिन सर, अगर अफेयर दीपक के साथ था तो विक्रम कौन है? तो प्रोफेसर धर्मेश उसको कैसे जानते हैं? अगर प्रोफेसर धर्मेश ने रिसर्च पेपर्स में आग लगा दी है तो फिर वो दवा बाहर कैसे गई होगी? कहीं प्रोफेसर धर्मेश ने उन दवा का फवोला किसी को दे तो नहीं दिया? सर कुछ तो है जो प्रोफेसर हमसे छुपा रहे। वही तो पता करना है। आपके पास इनकी और भी डिटेल्स होंगी ना कि अभी हाल फिलहाल में इनसे कौन कौन मिलने आया था? हमारे पास और भी कुछ है जो आपके काम आ सकता है। जैसे? कुछ महीने पहले हमने प्रोफेसर धर्मेश के सेल के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा फिट करवाया था। उन्होंने बार बार भागने की कोशिश जो की थी, ये रही सीडी। ने उस आदमी को पेपर दिया। क्या हो सकता है इस पेपर में? कहीं उस दवा का फॉर्मूला तो नहीं? यहां से रिवाइंड कीजिए। बताइए, ज़ूम कीजिए। ये तो कोई मैप लगता है। समझ में नहीं आ रहा क्या है। सर मुझे लगता है ये उसी दवा का फॉर्मूला है। क्या प्रोफेसर ने ही विक्रम को मरवाया? क्या इसीलिए इसने इस आदमी को ये फॉर्मूला दिया? पर ये आदमी है कौन जिसे प्रोफेसर ने फॉर्मूला दिया? आदित्य, ये तो विक्रम है। सर इसका मतलब प्रोफेसर धर्मेश विक्रम को जानते थे। लेकिन सर विक्रम की मौत तो उसी दवा से हुई जिसका फॉर्मूला प्रोफेसर धर्मेश ने विक्रम को दिया था। हो सकता है कि वो फॉर्मूला ना कुछ और। ये भी तो हो सकता है कि प्रोफेसर ने जानबूझ के विक्रम को हवेली में भेजा। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? और सर विक्रम के शरीर में वो दवा डाली किसने? कैसे डाली? इसका मतलब खूनी के पास वो दवा थी? इतने सारे सवाल जवाब एक भी नहीं है।